हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश हिंदू प्रोटेस्ट, बांग्लादेश में घुसकर बदला लेगा भारत, झूम उठेंगे हिंदू। ओए होए, हिंदू प्रोटेस्ट यूएन। तो चलो देखते हैं क्या है ये न्यूज़, क्योंकि हमने जो अभी वीडियो देखी उसमें तो जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं वो सब इकट्ठे होके हरे कृष्णा हरे रामा का चांट का चांस जो है वो पूरी सड़क में इतने सारे थे, वो सब बस मतलब पीसफुल वैसे वो कर रहे थे। वो दिखा रहे हैं कि भैया हम हिंदू हैं पर हम बांग्लादेश हैं, साथ में उनके हाथ में बांग्लादेश का फ्लैग भी था दिखाने के लिए, हमारी नेशनैलिटी हम बांग्लादेशी हैं, तो तुम किस तरह किस वजह से तुम हम लोगों पर अटैक कर रहे हो, धर्म के नाम पे हैं, रिलीजन के नाम पे। तो वो उनका कहने का और वर्ल्ड को दिखाना अच्छी बात है, उन्होंने इकट्ठे हुए। मैं तो कहती हूँ ऐसे हिंदूज को जो है इकट्ठे होना चाहिए, पर अब इसमें इंडिया ने कोई अभी क्या कोई डिसीजन लिया है कि नहीं, कि हम वेट करके वॉच करने का सोच रहे हैं क्या है, और यूएन ने क्या अभी तक कुछ बोला ये सिचुएशन के ऊपर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यूएसए का फ्लैग। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, लेकिन अब बांग्लादेश को कट्टर पंथियों से आजादी दिलाने का समय आ गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना पीटा गया कि वो अब अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर बगावत के लिए उतर आए हैं। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के सामने भी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच अब भारत भी तगड़े एक्शन में आ गया है। भारत अब बांग्लादेश में घुसकर एक्शन लेने की तैयारी में है। खुद शेख हसीना और उनके बेटे ने भारत को बांग्लादेश में एक्शन लेने के लिए कहा है। अभी तक जो शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भागना चाहती थी वो अब भारत की मदद से दोबारा लड़ने की बातें कर रही है। मामला अचानक पूरी तरह से पलट गया है। अमेरिका ने इस पूरे षड्यंत्र में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल अमेरिका शेख हसीना को सत्ता से हटाने में कामयाब रहा। शेख हसीना भारत के रास्ते ब्रिटेन जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाकर शेख हसीना की एंट्री रुकवा दी। अमेरिका ने खुद भी शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना भारत में ही फंस गई। इसी मौके का फायदा भारत ने उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेख हसीना अगर ब्रिटेन चली जाती तो भारत ज्यादा मुसीबत में फंस जाता, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है और शेख हसीना भी ब्रिटेन में जाकर धीरे धीरे हार मान लेती। बांग्लादेश में भारत का कोई साथी नहीं बचता। लेकिन शेख हसीना के भारत में फंसे रहने से भारत सरकार को नई रणनीति बनाने का मौका मिल गया। भारत ने शेख हसीना को समझाया कि भागना समाधान नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में रहकर ही लड़ना होगा। इसके तुरंत बाद शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी माँ के साथ दोबारा बांग्लादेश की राजनीति में आएंगे। वो भागेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि शेख हसीना अब किसी देश में शरण नहीं लेंगी, वो बांग्लादेश में अपने विरोधियों को निपटाने जाएंगी। सीधा मतलब ये है कि जो लोग सोच रहे थे कि बांग्लादेश में शेख हसीना का खेल खत्म हो गया है, अब उन्हीं लोगों को भारत ने बताया है कि खेल खत्म नहीं बल्कि खेल तो अब शुरू हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेख हसीना बांग्लादेश पहुंचती है तो उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। बांग्लादेश के हिंदू अब पूरी तरह से शेख हसीना के पीछे खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि शेख हसीना के समर्थक भी अब पूरी ताकत के साथ विपक्षियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। शेख हसीना के बेटे ने भारत का नाम लेकर कहा है कि भारत को अब दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। भारत को किसी भी तरीके से बांग्लादेश को बचाना होगा, विदेशी शक्तियों को रोकना होगा, यानी भारत अब पूरी तरीके से बांग्लादेश में घुसने को तैयार है। ये तो अलग ही न्यूज सुनने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा था इंटरव्यू शेख हसीना का बेटे का,
तब तो उसने कहा था कि अब मेरी माँ जो है वो तो पहली सोच रही थी रिटायरमेंट का, ये लास्ट इलेक्शंस थे, इसके बाद तो ये वैसे ही रिटायर होने वाली थी, क्योंकि ये पता नहीं कितनी 80+ या कुछ एज की बोल रहे थे, कुछ हुई है तो 76 या कुछ, तो इन्होंने तो अब रिटायरमेंट लेनी थी। और जैसे बांग्लादेश की जनता ने जो किया है, अब जिस तरह से किया है, तुम जो चाहते थे तुमको वो मिल गया है, अब तुम उसमें खुश रहो, वही तुमको मिला है। देखिए, पर अब ये अगर बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं अब वो वापस जाएंगी, मैं और बेटा भी कह रहा है हमारे साथ है, ये तो सब एकदम से सब डिफरेंट कई बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया का पॉसिबल नहीं है किसी और कंट्री में घुसना, क्या हम फिर से वॉर करने जाएंगे इनके लिए? पॉसिबल मेरे को तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक इंडिया किसी भी कंट्री के अंदर घुस के कुछ करने वाला है, तो ऑब्वियस है। मगर दूसरी बात यह है कि उनके बेटे ने अब ये कहा है कि अवामी लीग के बिना आप डेमोक्रेसी ला नहीं सकते बांग्लादेश में। उन्होंने बोला कि अवामी लीग जो उनकी पार्टी है, वो उन्होंने बोला छोटी मोटी पार्टी नहीं है, उसके ज़्यादा सीटें आई थी, वो बहुत पावरफुल पार्टी है, बीएनपी को हरा देगी। तो बोल रहे अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो अगर और अगर अवामी लीग को तुम नहीं उसमें खड़े होने देते तो तुम्हारी कंट्री स्टेबल नहीं होगी। नहीं खुद कहा है कि, तो, कि बांग्लादेश स्टेबल नहीं हो सकता अगर तुम ऐसा कोशिश करते हो कि अवामी लीग ही कोई तुम इलेक्शन नहीं लड़ने दोगे तो कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी कंट्री, ये चेतावनी दी है। दूसरा ये भी कहा अगर अवामी लीग को अलाउ करते हो इलेक्शन के लिए तो मैं खुद जाऊंगा और मैं फाइट करूंगा और मैं एज अ लीडर आऊंगा अवामी लीग का बेटा, बेटा अगर उसकी मदर चाहती है। अच्छा, बोला कि अगर मेरी मदर चाहती है कि मैं जाऊं और लड़ूं उनके बिहाफ पे क्योंकि वो ओल्ड हो गई हैं तो मैं भी जा सकता हूं और मैं लड़ूंगा। मतलब वो बेसिकली कह रहे हैं कि अवामी लीग वाले जो है वो कह रहे हैं कि अवामी लीग को छोटा मत समझो, ये मत सोचो हमारा दम नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पावरफुल पार्टी है और हम अगर इलेक्शंस होते हैं तो हम आएंगे और जीतेंगे, हराएंगे सब लोगों को, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद कूद पड़ूंगा और आई विल बी ए लीडर इफ पीपल ऑफ अवामी लीग वांट। वो कह रहे हैं अगर पार्टी मुझे चूज करती है, अगर पार्टी मुझे चूज करेगी तो मैं जाऊंगा एज ए लीडर ऑफ पार्टी, लड़ूंगा। और अब ये उसमें आ गए हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब लड़ेंगे, पूरा करेंगे, पूरा लड़ेंगे खड़ा। और वो ये बोल रहे हैं, वो ये हो सकता है ये भी हो कि अवामी लीग वहाँ पे स्ट्रेंथन होगी, वो मोबिलाइज करेंगे अपनी पावर को, उनका यूथ विंग बहुत स्ट्रांग है, सब करके जो जो काउंटर करेंगे जमात इस्लामी है जो भी उनको काउंटर करेंगे स्ट्रांग करके, पॉसिबल है कि शी मे गो बैक अपने बेटे के साथ। देखो भैया, दोनों सिचुएशंस देखो, जब शेख हसीना थी वर्सेस जो अब की सिचुएशन है, साफ दिख रहा है भैया। मैं तो सिर्फ सिचुएशंस में, मेरा पर्सनल इन दोनों को देख के है कि भैया शेख हसीना इज अ बेटर लीडर, चाहे कुछ भी कोई बोल रहा हो। उस टाइम शांति थी देश में, हिंदूज वर सेफ, मतलब बहुत अच्छी उनकी चाहे कंडीशन नहीं हो, एटलीस्ट दे वर सेफ। अब तो जिस तरह से उनके ऊपर हो रहा है, सिचुएशन थी बांग्लादेश में 23% से 8%, हाँ, वो भी है एक एंगल, वो भी है। पर अगर तो, ये आए तो ये तो 8% से भी और कम हो जाएंगे, ये तो एक बहुत जल्दी खत्म होंगे। अगर अगर शेख हसीना अब आती है और उसमें इंडिया हेल्प करता है तो इंडिया को ये कंडीशन लगानी चाहिए कि ये 8% वापस 23 करो और हर हर साल ये परसेंट बढ़नी चाहिए हिंदूज की तुम्हारे देश में, कुछ इस टाइप की कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट करनी चाहिए, करना चाहिए। अपने आप चलेगी नहीं, पर करना चाहिए। मगर इतना जरूर है और अपनी इस्लामिस्ट कट करके सेक्युलर कंट्री वापस करो। और अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भैया फेयर नहीं है बिटवीन हिंदूज एंड दो उस रिलीजन में, वो सब डील होनी चाहिए। होता ये है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं और लोगों ने बांग्लादेश के डिसाइड किया है कि उनको सेक्युलर नहीं चाहिए, उनको इस्लामिक चाहिए, तो इसलिए उनकी कंट्री इस्लामिक होगी। लोगों पे डिपेंड करता है और लोगों ने जो डिमांड किया वही हुआ है। चलो अब देखते हैं, ये तो बड़ी डिफरेंट, इतना जरूरी है, वही कह रहे हैं अवामी लीग जो है ऐसे ठप नहीं होने वाली, वो हराएगी बीएनपी को और हराएगी जमाते इस्लामी। कहाँ पहले बोला कि वी हैड इनफ ऑफ पॉलिटिक्स, मैं तो वैसे ही पहले इंटरेस्टेड, मैं तो आना ही नहीं चाहता। ही इज नाउ थिंकिंग अगेन कि हम क्यों गिव अप करें। वो तो है, गुस्सा भी तो है, हमारी पार्टी है, हमारी इतनी पार्टी को तुम ऐसे हटा दोगे? तो कह रहे नहीं, अब फाइट करेंगे। तो ऑफकोर्स पहले इमोशन होता है कि आप अपने, और दूसरा उन्होंने क्लियर किया था जो सभी दुनिया भर की न्यूज ने रॉन्ग बोला था कि वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया था और ना ही आर्मी ने फोर्स किया था। तो क्रिटिकल बातें जो पूरा मीडिया अपनी जो आलतू फालतू बात करता है, ही क्लियर्ड सन ने कि आर्मी ने उनकी मदर को फोर्स नहीं किया बांग्लादेश छोड़ने के लिए और ना ही फोर्स किया रिजाइन करने के लिए। आर्मी ने सिर्फ ये बोला कि हम जो हैं लोगों पे इनोसेंट सिविलियंस को नहीं मार पाएंगे, पुलिस को हम प्रोटेक्शन, मतलब पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं अपने सिविलियंस पर फायर नहीं करेंगे,
दैट इज ऑल इट वॉज. चलो तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.